हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग रजत दासकर फोटोग्राफी। आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। तो आप जब भी आउटडोर फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं तो सभी लोग एक सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। आप जब भी आपके बैकग्राउंड को एक्सपोज करते हैं तब आपको आपका सब्जेक्ट अंडर एक्सपोज मिलता है, और आप अपने सब्जेक्ट को जब एक्सपोज करने जाते हैं तो आपको बैकग्राउंड ओवर एक्सपोज मिलता है। उस टाइम पे आपको क्या यूज करना है, उस टाइम का आपको सिर्फ एक फ्लैश यूज करना है। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू बैलेंस योर फ्लैश लाइट विद द एम्बियंट लाइट। आपको आपके फ्लैश लाइट को एम्बियंट लाइट के साथ कैसे बैलेंस करना है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू बैलेंस योर फ्लैश लाइट विद द एम्बियंट लाइट। आप जब भी फ्लैश लाइट फोटोग्राफी करते हो, आप जाते हो बाहर शूट करने के लिए, लोकेशन पे पहुंचते हो, आप क्या करते हो, फ्लैश लाइट को ऑन करते हो और फोटोज क्लिक करना स्टार्ट करते हो। ये गलती सब लोग करते हैं, एक रॉन्ग प्रोसेस है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको पहले फ्लैश को आपको ऑफ रखना है। आप पहले सिर्फ अपने एम्बियंट लाइट को सेट करना है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको डेप्थ और फील्ड क्या चाहिए। डेप्थ और फील्ड का मतलब ये है कि आपको एपर्चर सेट करना है। आज जो मैं शूट कर रहा हूँ, मेरा लेंस का एपर्चर था 1.8, सो मैंने 1.8 पे शूट किया था। आपको ऐसे ही अपने डेप्थ और फील्ड को फर्स्ट चूज करना है, और सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, सेकेंड थिंग आपको अपने शटर स्पीड को एडजस्ट करना है। शटर स्पीड यही डिसाइड करती है कि जितने शटर स्पीड इंक्रीज करोगे उतना आपको बैकग्राउंड में डार्क मिलेगा, और जितनी आपकी शटर स्पीड कम रहेगी उतना आपको बैकग्राउंड में ज़्यादा लाइट मिलेगी, कि सेम है कि बैकग्राउंड आपको ज़्यादा ब्राइट मिलेगा। तो आपको ये टू थिंग्स पहले डिसाइड करने हैं, अपने डेप्थ ऑफ फील्ड को फर्स्ट, और सेकेंड आपकी शटर स्पीड को, और थर्ड आपको आपको ISO एडजस्ट करके देखना है। जितना आप ISO लो रख सकते हो उतना आपको फोटो की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। तो थ्री थिंग्स आपको करनी है, फर्स्ट है आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड, सेकेंड है आपकी शटर स्पीड, और थर्ड है आपका ISO। उसके बाद आपको फ्लैश को ऑन करना है। तब आप फ्लैश को जब ऑन करोगे तो आपको एक ही पावर के साथ उसको सेट करना है। तो अभी आप जो ये फोटो देख रहे हो, इसमें मैंने मेरे डेप्थ ऑफ फील्ड को सेट किया, मैंने एपर्चर रखा है 1.8 को 8 पे, और मेरी जो शटर स्पीड है वो है शटर स्पीड मेरी 1/1000 पे, और मेरा ISO है 320। आप फोटो देख सकते हो, और इस फोटो में मैं फ्लैश लाइट यूज करने वाला हूँ। तो अभी मैंने फ्लैश लाइट ऑन के चालू किया, तो फर्स्ट मेरी फ्लैश लाइट पावर थी वो थी 1/2 पे, हाफ पावर पे था मेरा फ्लैश। तो एक फोटो क्लिक करके देखते हैं हम। ओके, तो फर्स्ट फोटो क्लिक करने के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला, थोड़ी लाइट ओवर एक्सपोज थी फेस पे। तो आई विल कट ऑफ माय फ्लैश लाइट फ्रॉम 1/2 पावर टू में 1/4 पे अभी रख के क्लिक किया है। आप देख सकते हो ये साइड पे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी थोड़ी सी ओके है, और भी हम फ्लैश को एक स्टेप डाउन करेंगे। अभी हम सेट करेंगे 1/8 पे। ओके, तो ये आप फोटो देख सकते हो, इसमें अभी परफेक्ट लाइट है। आपका जो फ्लैश सब्जेक्ट पे लाइट वो भी परफेक्ट है, बैकग्राउंड में भी आपको नॉर्मल बैकग्राउंड मिल रहा है, ओवर एक्सपोज भी नहीं है, अंडर एक्सपोज भी नहीं है। तो ये देखो, ये ऐसे आपको फ्लैश लाइट को आपके एम्बियंट लाइट के साथ बैलेंस करना है। तो चलो अभी हम कुछ BTS पार्ट्स देखते हैं। BTS सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि हमने लाइट को कैसे प्लेस किया था, फ्लैश लाइट को हमने सब्जेक्ट के सामने से की लाइट की तरह कैसे यूज किया था, किस एंगल में रखा था। तो चलो अभी BTS को एंजॉय करते हैं। Pistol on my hip like I'm a cop. Yeah. Ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, it's just a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. Put me on that nigga, get the bus. And if I ain't enough, get the chop. I'm a hot bitch, get this in Hollywood. DJs and Monday on this one, Bollywood music. We be on a party, but we be on a party. I'm down there, let it go. Get it, tell me. Get it, don't have fun, get it. You're not a fan, they are gonna come with it. But I'm Monday.
ना चौपर शकीन ना पप्पा जमीन ना गला सोनी ना कई ना राधे मैसेज छेगा तरा गया ना उठते जवा के दारू से ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਬਰਨ ਮੁੰਡੇ ਬਰਨ ਮੁੰਡੇ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी वो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। भाई आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, एक सब्सक्राइब भाई बहुत कुछ बदल सकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार। और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।